वेलकम टू द केमिस्ट्री फॉर बेटर टुमारो। आज का हमारा टॉपिक है सिंथेसिस ऑफ निकोटीन। पहले इस मॉलिक्यूल की हिस्ट्री पता कर लेते हैं। आइसोलेशन, तो सबसे पहले इस मॉलिक्यूल को नेचर में से आइसोलेट किया गया था 1828 में। किसने आइसोलेट किया था? तो विलहेम हेनरिक पोसेल्ट ने इसको आइसोलेट किया था। साथ में जो दूसरा साइंटिस्ट था वो है कार्ल लुडविग रिमेन। ठीक है, ये दो साइंटिस्टों ने सबसे पहले 1828 में इस मॉलिक्यूल को आइसोलेट किया था। फिर स्ट्रक्चर एलुसिडेशन, तो इसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर क्या है वो मालूम कब हुआ था? 1892 से लेकर 93 में। किसने किया था? एडोल्फ पीनर ने। ये नाम याद रखना है। एडोल्फ पीनर को निकोटीन केमिस्ट भी कहा जाता है। एडोल्फ पीनर एंड रिचार्ड वॉल्फिंस्टन। ठीक है, एडोल्फ पीनर एंड रिचार्ड वॉल्फिंस्टन। फिर ये मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर इल्यूसिनेशन से पता चल गया कि एग्जैक्ट स्ट्रक्चर क्या है। फिर सिंथेसिस, तो सबसे पहले इस मॉलिक्यूल को लेबोरेटरी में जिसने सिंथेसाइज किया था उसने 1904, ठीक है, 1904 में किया था। उस साइंटिस्ट का नाम क्या है? एम पिक्टेट एंड ए रोजी। ये सारी डिटेल आप विकिपीडिया से भी पता कर सकते हो। नेक्स्ट हम जो आज डिस्कस करने वाले हैं वो सिंथेसिस है, सिंथेसिस ऑफ निकोटीन बाय स्पाथ एंड बाय स्पाथ एंड ब्रेट स्नाइडर। फिर से एक बार, स्पाथ एंड ब्रेट स्नाइडर। तो ये सिंथेसिस 1928 में दिया गया था। अब हिस्ट्री देखो इस मॉलिक्यूल का, 1828 में फर्स्ट आइसोलेट किया गया। फिर ये हम जो सिंथेसिस पढ़ने वाले हैं 1928 का, तो ये 100 साल की हिस्ट्री है। ठीक है, अब इसको हमें सिंथेसाइज करना है लेबोरेटरी में, तो हमें वही मेथड देनी है जो इन लोगों ने दिया था, स्पाथ एंड ब्रेट स्नाइडर ने। ठीक है, और यहां से एक नाम आपको याद रखना है, वो है एडोल्फ पीनर, जिन्होंने स्ट्रक्चर इल्यूसिडेट किया था निकोटीन का, जिसको निकोटीन केमिस्ट भी कहा जाता है। तो ये स्पाथ एंड ब्रेट स्नाइडर ने क्या किया, सबसे पहले एक मॉलिक्यूल बनाया। वो मॉलिक्यूल क्या है उसका नाम बाद में देते हैं। तो देखो ये, इसको पहले नाम देना है मुझे। ठीक है, समझ लेते हैं पहले, अगर ऐसा कुछ है तो इसको हम क्या बोलते हैं, 1 2 3 4 कार्बन, सक्सिनिक एसिड। अगर इसका एमाइड बन जाए दोनों जगह पर NH2, तो क्या बोलते हैं इसको, सक्सीनेमाइड। ठीक है, अगर फिर से इसका साइक्लाइजेशन हो जाए, ये बन जाए, तो इसको बोलते हैं सक्सीनीमाइड। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, सक्सीनीमाइड ये है, सक्सीनेमाइड ये है। तो कुछ बुक में गलती से सक्सीनेमाइड लिख देते, जबकि ये एक्चुअल में है सक्सीनीमाइड। अभी इसका रिडक्शन करेंगे हम पार्शियल, कैसे करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस से। तो चलो इलेक्ट्रोलिसिस से इसका रिडक्शन मैं करूंगा, तो एक कीटोन है उसका रिडक्शन हो जाएगा, यहां पर कीटोन एज इट इज रहेगा। ठीक है, अभी देखो यहां पर अगर कीटोन नहीं है तो ये 5 मेंबर हेट्रोसाइकल है, इसको बोलते हैं पाइरोलिडीन। क्या बोलते हैं, पाइरोलिडीन। अभी सेकेंड पोजिशन के ऊपर कीटोन है तो मैं लिख दूंगा ऑन, पाइरोलिडीन 2 ऑन, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाइरोलिडॉन। ठीक है, ये डॉन है। फिर इसका रिएक्शन मैं NaOH के साथ कर रहा हूं, तो क्या होगा, NaOH बेस है, हाईली एसिडिक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, मतलब यहां से H+ खींच लेगा, क्या बनेगा, -H2, यहां से वो H, यहां से H। फिर क्या हुआ, बेस है तो एनायन जनरेट हुआ, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अभी मैं इलेक्ट्रोफाइल ले रहा हूं, CH3 ट्वाइस SO4, ठीक है, डाइमिथाइल सल्फेट। तो सल्फेट है, ये नेगेटिव आयन होगा, ये पॉजिटिव है, तो ये नाइट्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, जैसे इसको देगा इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। वैसे कि यहां पर दो मिथाइल ग्रुप है,
तो दो बार मिथिलेशन हो सकता है, मतलब इसके हमें दो मोल लेने चाहिए और इसका एक ही मोल लेना चाहिए। आप बड़े हो चुके हो तो अभी ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। और यहाँ पर आ गया CH3, ठीक है। तो इसको नाम दे देते पहले, इस मॉलिक्यूल का नाम क्या बनेगा? तो देखो ये नाइट्रोजन के साथ अटैच है, प्रेफिक्स एन मिथाइल, फिर पायरोलिडीन, पायरोलिडीन, नेक्स्ट टू ऑन, सेकेंडरी सफिक्स ओ से शुरू हो रहा है तो यहाँ पर लास्ट में जो ई आता है उसको हम ड्रॉप आउट कर देते हैं। तो सबसे पहले स्पाथ एंड ब्रेट स्नाइडर ने ये मॉलिक्यूल बनाया था, ये क्या है, एन मिथाइल पायरोलिडीन टू ऑन। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो है प्रिपेरेशन या फिर सिंथेसिस ऑफ एन मिथाइल पायरोलिडीन टू ऑन। इस मॉलिक्यूल को मैं यहां साइड में लिख देता हूं, और एक बात, हम निकोटीन का फाइनल स्ट्रक्चर तो ड्रॉ करना ही भूल गए। तो देखो निकोटीन का फाइनल स्ट्रक्चर जो है वो एकदम सिंपल है ऐसा, तो यहां पर एक पिरिडीन है और यहां पर पायरोलिडीन है, ठीक है। अब दूसरा जो स्टेप है वो देखते हैं हम। यहां पर एक चीज है सक्सिनिमाइड और सक्सिनेमाइड, कंफ्यूज नहीं होना है, हमें लेना है सक्सिनिमाइड, ठीक है। उसमें से हमने क्या बनाया, एन मिथाइल पायरोलिडीन टू ऑन। अब दूसरा जो स्टेप है हमारा, उसमें हम रिएक्शन कराएंगे इसका, एन मिथाइल पायरोलिडीन टू ऑन का, किसके साथ कराएंगे? तो देखो ये मैं एक स्टार्टिंग मटेरियल ले रहा हूं, ध्यान से देखो, O C2H5, ठीक है। तो देखो इस मॉलिक्यूल को नाम क्या देते हैं, क्या नाम देते हैं इसको, निकोटिनिक एसिड। ये निकोटिनिक एसिड का एस्टर है, और कोई भी एस्टर है ऑक्सीजन के साथ जो अटैच है वो गणपति है, मतलब आयुपेक की फॉर्मूला जो अप्लाई होती है उससे पहले इस अल्काइल को लिखना है। तो क्या है ये, इथाइल, फिर निकोटिनिक एसिड है तो क्या लिख दूंगा मैं, निकोटी नेट। तो ये है हमारा इथाइल निकोटिनेट। अब इसका रिएक्शन मैं उस मॉलिक्यूल के साथ करूंगा जो कि अभी हमने बनाया है। क्या बनाया हमने, ये CH3, यहां पर कीटोन। क्या नाम है इसका, एन मिथाइल पायरोलिडीन टू ऑन, किसके साथ, ये C2H5ONa, सोडियम इथोक्साइड, जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, इसके प्रेजेंस में। इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम, क्लेजन, क्लेजन कंडेंसेशन, ये क्लेजन कंडेंसेशन है। अब यहां पर क्या होगा, तो सबसे पहले तो मैंने बेस लिया हुआ है सोडियम इथोक्साइड, स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेस प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो ये देखो हमारा ये मॉलिक्यूल है, इसमें से प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करना है, मतलब वो एच प्लस खींचेगा, एच प्लस खींचेगा तो सामने एनायन जनरेट होगा, जहां पर नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा है वहां से वो एच प्लस खींचेगा, उसको हाईली एसिडिक प्रोटोन बोलते हैं, ठीक है। तो देखो ये ग्रुप हमारा है ये अमाइड ग्रुप है, चूंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है तो इसके पास में जो कार्बन है ये, यहां से अगर एच प्लस निकलता है तो ये कार्बन के ऊपर क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज देखो स्टेबल है, कैसे, ए डबल बॉन्ड बी सी के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्या होगा, रेजोनेंस होगा, ठीक है। तो ये रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन जैसे ही विड्रॉ करेगा ये रेजोनेंस होगा, ये कार्ब एनायन स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हाईली एसिडिक प्रोटोन है तो फर्स्ट स्टेप में यहां से एच प्लस खींचेगा। मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि ये बेस इस एसिडिक प्रोटोन के साथ सॉल्ट बना लेगा, यस। तो यहां पर मैं एन ए प्लस भी लिख सकता हूं, ठीक है। अब ये नेगेटिव चार्ज बन गया, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल हो सकता है या फिर बेस हो सकता है। अगर ये प्रोटोन एच प्लस को देता है तो मैं इसको बेस बोल दूंगा, अगर ये किसी नॉन मेटल को दे देता है तो इसको मैं क्या बोलूंगा, न्यूक्लियोफाइल। तो ये अभी इलेक्ट्रॉन किसको दे सकता है, हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल क्या है, ये देखो
डेल्टा नेगेटिव, ये कार्बन डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर अटैक कर लेगा। जैसे ही अटैक कर लेगा कार्बन की वैलेंसी बढ़ जाएगी, तो फर्स्ट स्टेप में ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा, फिर ऑक्सीजन वापस इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा। तो ऑल ओवर क्या हुआ, यहाँ से C2H5O- निकला, यहाँ से H+ निकला, तो ऑल ओवर क्या निकला, C2H5OH इथेनॉल बाय प्रोडक्ट बन गया। अभी जो प्रोडक्ट बन रहा है वो हमें ध्यान से देखना है, तो ये पिरिडीन तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। इसके बाद ये जो कार्बोनिल ग्रुप है वो भी एज इट इज, ये कार्बोनिल कार्बन इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये प्रोडक्ट बन गया। अभी इसका रिएक्शन मैं करा देता हूं HCl के साथ, 130 डिग्री सेल्सियस हीट अप्लाई कर देता हूं। तो मेरे पास यहां अमाइड ग्रुप है, देखो इस अमाइड का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा है, नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, उसके साथ क्या अटैच होगा, H+, ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, उसके साथ क्या अटैच होगा, OH-। तो यहां पर मैं प्रोडक्ट बना लेता हूं, एकदम सिंपल है, ये कार्बोनिल कार्बन एज इट इज, फिर ये कार्बन इसके साथ ये कार्बोनिल ग्रुप यहां पर, ठीक है, इसके साथ OH अटैच हो गया, तो ये मेरा OH है, फिर यहां पर दो CH2, तो ये एक तो है, फिर ये दूसरा CH2, इसके बाद इसके साथ क्या अटैच होगा, ये NCH3, इसके साथ हाइड्रोजन, इसके साथ OH, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन और ये OH कहाँ से आए, हाइड्रोलिसिस से। अब ये मैं निकाल देता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, हमने हीट अप्लाई किया है वहाँ पर, तो देखो ये COOH जिस कार्बन के साथ अटैच है, ये अल्फा कार्बन है, इसके पास ये इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप है तो डी कार्बोक्सिलेशन ईजिली होता है, तो यहाँ से जैसे हमने हीट अप्लाई किया है CO2 भी निकल जाएगा, तो प्रोडक्ट जो बनेगी वो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, ये पिरिडीन एज इट इज़, फिर ये कार्बोनिल ग्रुप भी एज इट इज़, फिर ये जो कार्बन है जहाँ पर COOH अटैच था इसके साथ अब सिर्फ हाइड्रोजन अटैच होगा, क्यों, क्योंकि यहां से CO2 निकल रहा है, कैसे निकल रहा है देखो, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन अगर इस कार्बन को मिल जाए तो इस कार्बन की वैलेंसी बढ़ जाएगी, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज, ये एच इसके साथ अटैच हो जाएगा और CO2 निकल जाएगा। इसके बाद ये एसिड वाला कार्बन, उसके बाद कितने कार्बन है, दो, तो ये एक और ये दो, इसके बाद NH CH3 है, ठीक है। इसको मैं कुछ अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ, ये सेम स्ट्रक्चर है, मैं बस चेंज कर रहा हूँ ओरिएंटेशन। तो देखो ये कार्बन कीटोन वाला ऐसे लिख दिया, फिर इसके बाद CH2 कितने, एक दो और तीन, तो ये ऊपर एक CH2, ये दूसरा, ये तीसरा, इसके बाद क्या अटैच है, यहाँ पर मोस्ट ऑफ स्टूडेंट गलती कर देते हैं, ठीक है। तो देखो बेंज, ये पिरिडीन के बाद एक दो तीन चार कार्बन है, पिरिडीन के बाद एक दो तीन चार, उसके बाद NH CH3। अब यहाँ पर कीटोन है, इस कीटोन का मुझे रिडक्शन कराना है, क्या कराना है, रिडक्शन, तो रिडक्शन के लिए मैं यूज़ करूँगा जिंक डस्ट मेटल, प्लस साथ में हाइड्रोजन का सोर्स दे देता हूँ C2H5OH, ठीक है, दोनों के बीच रिएक्शन होगा और यहाँ से हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा, ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में किया जाता है, तो इसका रिडक्शन होगा, क्या बनेगा, कीटोन का रिडक्शन होने के बाद क्या बनता है, अल्कोहल, कौन सा अल्कोहल बनता है, हाँ सेकेंडरी, ठीक है। यहाँ पर कोई गलती नहीं करनी है, तीन CH2 बीच में है ही, और यहाँ पर क्या आ गया, OH, क्लियर है। अभी इसका रिएक्शन मैं कराऊंगा HI के साथ 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में देखो,
ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये इसको देगा, सॉल्ट बना लेगा, डेफिनेटली वो होगा। फिर क्या होगा, ये OH है, ये भी लोन पेयर हाइड्रोजन को दे देगा, तो क्या हो जाएगा, देखो ये OH हाइड्रोजन को लोन पेयर देगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज बन गया, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और कौन से फॉर्म में निकल जाएगा, H2O के फॉर्म में, तो यहाँ से H2O निकलेगा। फिर ये H2O के फॉर्म में निकल गया, इस कार्बन के ऊपर चार्ज क्या बना, पॉजिटिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन लेकर जा रहा है, इसके साथ अटैच क्या हो जाएगा, आयोडीन। तो देखो डायरेक्टली मैं ये लिख रहा हूँ, ठीक है, हमने किया क्या, इस OH का रिप्लेसमेंट किया, कैसे, आयोडीन से, बाकी जो है वो तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर HI के साथ रिएक्शन कराएंगे, यहाँ सोल्ट बनेगा, फिर यहाँ रिएक्शन होगा, फिर इसका सोल्ट तो एज इट इज है, तो सेकेंड स्टेप में हमें इसको करना होता है न्यूट्रलाइज। ये हर एक बुक में नहीं लिखा होगा, लेकिन लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, अभी आप लोग बड़े हो गए हो, आसानी से समझ सकते हो। अब ये जो है इसका रिएक्शन मैं NaOH के साथ कराऊंगा, तो NaOH क्या है, बेस है, ठीक है, ये न्यूट्रलाइज जो हम करते हैं NaOH से करोगे डायरेक्टली हो जाएगा। अब ये NaOH है, ये यहाँ से हाईली एसिडिक प्रोटॉन निकलेगा, तो कहाँ से प्रोटॉन निकलेगा, ये नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन है, ठीक है, तो ये यहाँ से H प्लस खींच लेगा ये NaOH, तो क्या बनेगा, माइनस H2O। फिर क्या बचा, ये नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव, ये क्या बन गया, न्यूक्लियोफाइल। ये अटैक कर सकता है यहाँ पर, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये नाइट्रोजन जैसे यहाँ अटैक कर देगा, कार्बन की वैलेंसी बढ़ जाएगी, तो यहाँ से आयोडीन इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा। तो देखो यहाँ से H प्लस निकला, यहाँ से I माइनस निकला, ऐसे बोल दो, तो ऑल ओवर HI निकला, हमने NaOH ऐड किया था, तो यहाँ से H, यहाँ से OH, H2O निकल गया। अब क्या बचा, यहाँ से I माइनस, और जो सोडियम था जिसका यहाँ पर सोल्ट बना था, तो ये भी हमारी बाय प्रोडक्ट है, सोडियम आयोडाइड। अब प्रोडक्ट क्या है, देखो ये पिरिडीन तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पर CH2 तीन बार, 1 2 3, इसके बाद ये नाइट्रोजन के साथ भी CH3 था, इस नाइट्रोजन ने इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे दिए, यहाँ पर बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो यही तो हमारा स्ट्रक्चर था फाइनल, देखो ये, तो ये निकोटीन का स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पर जो निकोटीन बना वो प्लस माइनस निकोटीन बना, प्लस माइनस का मतलब क्या है, रासायनिक मिक्सर बना, ठीक है। यहाँ पर काइरल कार्बन कितने हैं, एक ही है, देखो एक ही काइरल कार्बन है, तो एक डेक्स्ट्रो आइसोमर होगा, दूसरा लीवो होगा, दोनों का इक्विमोलर मिक्सर है, मतलब दोनों का सेम अमाउंट है, दोनों 5-5 ग्राम है मान लो, तो ये रेसेमिक मिक्सर है। रेसेमिक मिक्सर से हमें दोनों आइसोमर को अलग करना है, उसको क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन। तो इसका रिजोल्यूशन किया जाता है किससे, प्लस टार्टरिक एसिड से। तो ये डेक्स्ट्रो टार्टरिक एसिड से हम रिजोल्यूशन करेंगे, तो इसके साथ इसका सॉल्ट बन जाएगा, तो क्या होगा, ये प्लस है, इसका प्लस, दोनों प्लस प्लस, फिर ये प्लस, ये माइनस, तो ये दो अलग प्रोडक्ट बन गए, और वो दोनों क्या होंगे, डायस्टीरियोमर। फिजिकल प्रॉपर्टी सभी अलग हो जाती है, उसको हम अच्छे से सेपरेट कर सकते हैं। फिर उसमें से हम सेपरेट करेंगे इसको, ये कौन है, निकोटीन का लीवो आइसोमर, क्या है ये, लीवो आइसोमर। तो ये जो लीवो आइसोमर है, इट इज आइडेंटिकल, आइडेंटिकल विथ नेचुरली अकरिंग कंपाउंड, मतलब जो नेचर में से निकोटीन मिल रहा है उसके साथ ये आइडेंटिकल है। तो स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन करने के बाद लास्ट में इस मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज किया जाता है, तो जो प्रपोज किया है साइंटिस्टों ने, जो स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर और ये जो लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया हुआ है, दोनों को मैच करते हैं, अगर सभी प्रॉपर्टीज मैच हो जाती है तो कन्फर्म हो जाता कि ये दोनों ही प्रोडक्ट सेम है। तो ये निकोटीन का सिंथेसिस है। यहाँ पर जो गलती करते हैं लोग, वो ये CH2 भूल जाते हैं कभी, तो लास्ट में ये 5 मेंबर साइकिल बनने की जगह पर 4 मेंबर बन जाती है, तो ये गलती नहीं करनी है। फिर से एक बार, स्पाथ एंड ब्रेट स्नाइडर 1928 में ये सिंथेसिस दिया था,
फर्स्ट स्टेप में हम प्रिपेयर करेंगे एन मिथाइल पाइरोलिडिन, सेकेंड स्टेप में रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन बिटवीन एन मिथाइल पाइरोलिडिन एंड इथाइल निकोटिनेट। तो जो फर्स्ट स्टेप है वो क्लेजन कंडेंसेशन है, फिर HCl से हाइड्रोलिसिस किया, ये CO2 तो ऐसे ही निकल जाएगा, फिर हमने ये कीटोन का रिडक्शन करके अल्कोहल बनाया, ये अल्कोहल का अल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए HI के साथ रिएक्शन कर दिया, सेकेंड स्टेप में NaOH प्रोटोन खींच लेगा और न्यूक्लियोफाइल बन के अटैक कर देगा, तो ये साइक्लाइज हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया है, ठीक है, थैंक यू। कोई भी डाउट है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। गुड लक।